हेलो गाइस, मैं हूँ चेतन। और जो भी अपने भाई है उनको सबको मैं हैप्पी दिवाली विश करना चाहता हूँ सबसे पहले तो। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये जो अपनी पैशन प्रो है जो हमने 4 महीने या 7 महीने पहले सेकेंड हैंड ली थी, इसका आज हम नेगेटिव पॉइंट्स पर इसका डिस्कशन करने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसका सबसे पहला नेगेटिव मुझे लगता है वो है इसका मीटर। ये देखिए, अब बताइए आपको इसमें, रुक जाइए थोड़ा सर, अब बताइए इसमें आपको क्या डिफरेंट लग रहा है। ये चीज़ मुझे काफ़ी परेशान करती है। ये मीटर ना, ये अगर मैं नया लेने जाऊँ तो आपको 2400 का मिलता है अगर, और ये ठीक तो होने वाला नहीं है अभी। तो इसका सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट है इसका मीटर, जो कि ये अपना काम नहीं करता है। ये जब हमने सेकेंड हैंड ली थी तब ये काम कर रहा था, लेकिन जब हम इसकी डिलीवरी लेने गए दूसरे दिन, जब इसको हम लेने गए थे उसका सब हो गया था, तब ये मीटर ख़राब हो गया। बताओ ये किसकी गलती है, डीलरशिप की गलती है क्या है ये? तो ठीक है गाइस, ये था इसका पहला नेगेटिव। तो इसको ठीक करने का भी, इसका पहले हमने सेंसर चेंज किया, फिर इसकी वायरिंग भी चेक की, तो उसने बोला कि आपका मीटर ख़राब है, आपको ये चेंज करना पड़ेगा। तो अभी देखते हैं इसका क्या हो सकता है। तो आपको आने वीडियो उसमें इसका अपडेट मिल जाएगा। तो इसका नेक्स्ट नेगेटिव पॉइंट है इसका आपका ये कवर। तो गाइस, ये पता नहीं किसकी गाड़ी थी क्या थी, जिसकी भी गाड़ी थी उसने पूरी बजा रखी थी गाइस। यहाँ से तो पूरा ही बजा रखा था, पूरे सिस्टम में देखिए स्क्रैच दिख रहे हैं, पूरा ही बजा रखा था उसने। क्या हुआ, इसका जो ये है अपना कवर, ये पूरा अंदर से खुला पड़ा है, पूरा टूटा पड़ा है। उसने आपकी जो 4 रुपये वाली तार आती है उससे लगा रखा है, ये पूरा बचता है गाइस। जब अपनी गाड़ी खड्डे पे चलती है पूरा बच जाता है, तो मुझे पूरा अभी चेंज करवाना पड़ेगा। और लेकिन अभी तक हमने इसलिए नहीं कराया था क्योंकि अब तक ये शिकायत नहीं इसमें बंद नहीं रही थी। और ये देखिए यहाँ पर काला काला दिख रहा है आपको, ये पूरा उसने नट लगा रखा है अंदर से, पता नहीं यार किसकी गाड़ी थी। और इसके थर्ड नेगेटिव पॉइंट की हम बात करें तो वो आता है इसका इंजन। देखिए गाइस, ये अपना इंजन है। सबसे पहले तो आपको इसमें लीकेज दिख रही है, वो भी अभी अभी आई है जब हमने ये गाड़ी निकाली अपने वहाँ से। तो इसके इंजन की सबसे बड़ी दिक्कत है कि ये आपका इंजन, इसके इंजन के साथ एक और नेगेटिव पॉइंट आता है आपकी स्पीड, ये अपना स्पीड। अब इसमें क्या नेगेटिव पॉइंट है, ये जो आपकी स्पीड है ये आपको 40 का आंकड़ा दिख रहा है यहाँ पर, इसके ऊपर ही गाड़ी जाती नहीं गाइस। आज तक इसने अपनी ज़िंदगी में 80 टच करी नहीं होगी, बता देता हूँ। और जो आपकी पैशन प्रो थी 2013 या 2014 मॉडल की, उसने वो भाई 120 तक चली जाती थी। और गाइस ये वाला पीस, ये तो 180 तक जाता नहीं है गाइस, 80 तो छोड़ो 60 तक भी जाता नहीं है। तो ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट हो गया। वो अब मैं भी मानता हूँ हमने सेकंड हैंड गाड़ी ली है, हमें भी इसके साथ का एक्सपेक्टेशन लगानी चाहिए, लेकिन फिर भी गाइस एक आदमी ये तो चाहता ही ना कि आपकी गाड़ी 80 तक चली जाए, 100 तक चली जाए। अगर कभी भगाने की स्थिति आ गई तो क्या करेगा आदमी, है ये 60 पर ही अटक जाएगी, दूसरा वाला आके पकड़ लेगा हमको। तो हाँ, इसके इंजन का एक ये प्रॉब्लम आती है। फिर उसके इंजन का जब हमने इसकी सर्विस कराई थी, जब आपने मेरी वीडियो देखी होगी, तो इसमें वो मैकेनिक ने हमको बोला था कि इसके इंजन का जो ब्लॉक है ये पूरा खोलना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो पिकअप और माइलेज तभी बढ़ेगा। हाँ, इसका माइलेज भी बहुत कम है गाइस, इसका माइलेज सिर्फ 35 और 40 तक ही आता है यार। परेशान है हम इस गाड़ी से, ये इसकी माइलेज की कंडीशन है। और माइलेज तो छोड़ो, कभी कभी तो इसमें पहले तो कहीं ये भी आता नहीं था गाइस, ये भी हमने चेंज कराया है। ये हमने कुछ तो भी 200-300 रुपये का लगाया, नहीं तो कोई तो पेट्रोल भी चुरा के लेके जाते थे गाइस ये लोग। मानते हो अब हीरो, इसमें हीरो की गलती नहीं है गाइस, जो डीलर था ये उसकी गलती है। तो इसके थर्ड नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो वो है, और हाँ गाइस ऐसा भी नहीं है किसी भी इसकी नेगेटिव वीडियोज़ पर ही वीडियो बनेगा, इसकी पॉजिटिव वीडियो पर भी हम वीडियो बनेंगे। और ये जो नेगेटिव वीडियोज़ थी ये इसकी कंपनी के द्वारा नहीं की गई थी, ये नेगेटिव वीडियो सिर्फ इसकी डीलरशिप के द्वारा की गई थी। डीलरशिप माने अपना जो डीलर होता है सेकेंड हैंड मार्केट का, जो अपना गाड़ियाँ बेचता है, गाड़ियाँ लेता है, गाड़ियाँ बेचता है सामने वाले को, ये उसकी गलती की वजह से था। तो इसमें कंपनी का कोई दोष नहीं है। और एक और बात, अब बात करते हैं इसके फिफ्थ नेगेटिव पॉइंट की, जो हर डीलर करता ही करता है। ये नेगेटिव पॉइंट इस गाड़ी का नहीं है, इसकी जो हमने सेकेंड हैंड जिस मार्केट से ली है उसका है, जो कि सेकेंड हैंड मार्केट का हर डीलर करता ही करता है। अब ये मुझे पूरा प्रूफ हो चुका है, हालांकि एक दो होते होंगे जो नहीं करते होंगे। तो वो सबसे बड़ी गलती है कि इसकी जो गाड़ी अभी ये अभी कभी 26 हज़ार चल चुकी है, जब हमने इसको लिया था तब ये 24 चल चुकी थी। लेकिन जब मैंने इसकी गाड़ी की सीट खोली, जो ये अपनी सीट है, ये जो अपनी सीट है इसके नीचे जब हम गाड़ी की सर्विस करवाते हैं, या जब अपनी फिफ्थ सिक्स्थ मतलब सेकंड थर्ड सर्विस होती है, तब इसके नीचे हमें कंपनी टैग लगा कर देती है कि आपकी सर्विस अभी इतने किलोमीटर पे होगी आगे चल के। तो उसे मैंने देखा, तो उसे देखकर मुझे क्या दिखा, देखिए मैं आपको ये बता, हाँ तो अब मैंने सीट इसकी खोल ली है। तो सबसे पहले अभी आंकड़ा देखिए कितना है आपका, रुक जाइए ये देखिए रुक जाइए थोड़ा कैमरा साफ करना पड़ेगा। देखिए गाइस, शायद आपको अब ये क्लियर दिख रहा होगा, इस पर लिखा है
37,000 और 39, तो जब इसकी और ये कब का है, 2016 का है गाइस, नवंबर 2016, तो तब अपनी गाड़ी इतनी चल चुकी थी। और अभी मीटर में देखिए कितना दिखा रहे हैं, ये देखिए 26,000 किलोमीटर। तो देखिएगा इस कितना बड़ा स्कैम है ये, स्कैम सेकंड हैंड मार्केट का। तो हम तो ये गलती कर चुके हैं, लेकिन अब भी जब लेकिन जब भी आप अपनी कोई भी सेकंड हैंड गाड़ी लेने जाए, जैसे कि इंसान की मजबूरी होती है, जैसे कि हमारी थी, तो तब आप अपनी गाड़ी के साथ तो आप अपने साथ एक मैकेनिक को लेके जाए और पूरी गाड़ी अपनी चेक करवा लें, वरना ऐसी दिक्कत आपको भी फील करनी हो चुकी है, मतलब आपको भी ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो बस ये था इस वीडियो में, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपको हैप्पी दिवाली गाइस मेरी तरफ से। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, और सब्सक्राइब करें ऐसी नई वीडियोज़ के लिए। क्या गाड़ी है यार।